Dear students, in this video, we will study about clock, which is a very very important part of sequential circuits. तो clock क्या होता है? Clock is a timing signal which goes from low to high, high to low, and then again low to high, then again high to low, low to high, then again low to high, and so on and repeat. तो इस तरह से ये generate करता है a train of pulses. Train of pulses. It acts as a control input for the clock sequential circuits so that the circuit cannot change its state accidentally or unintentionally. Means ki clock hi hai jo sequential circuit ke function ko control karta hai ki wo jaise hi input change ho apni state change na kare, balki jab clock positive ho, clock ka positive transition ho ya clock ट्रिगर्ड है तभी वो अपनी स्टेट चेंज करे, अदरवाइज फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस स्टेट में रहे. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्लॉक जब अप्लाई होती है फ्लिप फ्लॉप पर तभी इनपुट चेक किया जाता है और इनपुट के अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता है, मींस की आउटपुट जनरेट करता है. इंटरवल अगर मैं ले लेती हूँ यहां से यहां तक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं टाइम पीरियड. इट इज नोन एज टाइम पीरियड एंड यही हमारी क्लॉक पल्स कहलाती है. क्लॉक पल्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लॉक साइकिल. तो ये बात समझ में आई होगी. अब इसमें एक टर्म यूज होती है ड्यूटी साइकिल. तो ये क्या होता है, व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल? तो हम ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू रेशो ऑफ टाइम फॉर विच द सिग्नल इज हाई, फॉर विच द सिग्नल इज हाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मीन्स कि अगर हम माने कि इस कंप्लीट क्लॉक का टोटल टाइम स्मॉल टी है, तो एट प्रेजेंट टाइम क्लॉक का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम टी है, तो किस टाइम पर क्लॉक हाई हो रही है? यहां क्लॉक हाई हो रही है, यहां क्लॉक हाई हो रही है, यहां हाई हो रही है, यहां हाई हो रही है. इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इफ टोटल टाइम इज टी, देन टी बाय टू टाइम्स हमारी क्लॉक क्या हो रही है, हाई हो रही है. तो टी बाय टू अपॉन टी, तो ये हो गया टी अपॉन टू इंटू टी. टी से टी कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1/2. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 50% से. तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है किसी क्लॉक का, 50%. कहने का मतलब है कि अगर मैं एक क्लॉक साइकिल की बात करूं, इस पूरे टाइम पीरियड की बात करूं, तो इसमें अगर हम देखें कि क्लॉक हमारी कितनी टाइम के लिए हाई हुई है, तो हम देखेंगे कि 50% टाइम के लिए हमारी क्लॉक हाई हुई है. तो इसी को ड्यूटी साइकिल कहते हैं. क्लॉक की 4 इवेंट्स होती हैं जिस पर क्लॉक किसी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर सकती है, मीन्स कि उसकी स्टेट को चेंज करा सकती है. तो वो कौन कौन से होते हैं कि एक तो लो लेवल होता है, हाई लेवल होता है. जो हमें क्लॉक में हॉरिजेंटल लाइंस दिखाई दे रहे हैं, मीन्स कि ये एंड ये, तो इन्हें क्या कहते हैं, लेवल्स कहते हैं. और जो है वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं. तो ये जो लो लेवल है, मीन्स जहां हमारी क्लॉक जीरो से जीरो हो रही है, मीन्स कि यहां हमारी क्लॉक क्या है, लो लेवल पर है. लो लेवल, इस लो लेवल को ही हम नेगेटिव लेवल भी कहते हैं. अब जहां हमारी क्लॉक हाई है, मीन्स कि 1 से 1 पर ही रह रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल. क्या कहते हैं, हाई लेवल. और इस हाई लेवल को ही हम पॉजिटिव लेवल भी कहते हैं. सिमिलरली जो ये वर्टिकल एज है जहां हमारी क्लॉक 0 से 1 हो रही है, यानी कि इसी को हम पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक कहते हैं, वेयर क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1. और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लीडिंग एज के साथ साथ हम इसको और क्या कह सकते हैं, राइजिंग एज. राइजिंग
एज, इसी को हम पॉजिटिव एज भी कहते हैं, पॉजिटिव एज। सिमिलरली जब हमारी क्लॉक 1 से 0 हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज कहते हैं। या हम इसको और क्या कह सकते हैं, फॉलिंग एज कह सकते हैं, फॉलिंग एज कहते हैं। और इसी को हम नेगेटिव एज भी कहते हैं, नेगेटिव एज भी कहते हैं। तो इस नेगेटिव एज भी, इसको हम नेगेटिव एज भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी एक क्लॉक पल्स के 4 पार्ट्स होते हैं जिस पर क्लॉक पल्स किसी भी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर सकती है, जब हमारी क्लॉक लो लेवल पर हो, नेगेटिव लेवल पर हो, या हमारी क्लॉक 0 से 1 हो रही हो, मींस पॉजिटिव ट्रांजिशन कर रही हो, मींस की पॉजिटिव एज हो इसकी, या 1 से 1 हो, मींस की हाई लेवल पर हो, पॉजिटिव लेवल पर हो, या फिर 1 से 0 हो रही हो, मींस की फॉलिंग एज हो, नेगेटिव एज हो, मींस की नेगेटिव ट्रांजिशन हो। तो ये बात समझ में आई होगी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, मींस की हम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपने सर्किट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड क्लॉक।